बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। मेरे बहन भाई जो बेऔलाद है, अल्लाह ताला ने नेक औलाद दे। भाई सर्दी आ गई और सर्दी आती है तो हरियाली हरियाली होती है और हरी हरी सब्जियां आती हैं, तो मूली भी बहुत अच्छी आती है। मूली तो इतने मजे की है ना कि खाने वाली एकदम मीठी मूली है। और ये मूली के पत्ते हैं, ये माशाल्लाह से बोल तो रही, इतनी हरियाली की देखिए पत्ते कितने सारे। तो हम मूली के बनाने जा रहे हैं भुजिया, क्योंकि मेरे बेटे ने फरमाइश करी थी हमने मूली के भुजिया बनाए। मूली के पराठे ही बहुत मजे के बनते हैं। तो हम सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या करना है। इसको काट पीट के इसमें 10-15 हरी मिर्च डालेंगे और ये मूली के पत्तों को अच्छे से धो लिए, सारे मूली के पत्ते देखे माशाल्लाह कितने अच्छे मूली के पत्ते निकले। इसको हम हमारी देखते हो भैया गरम इसमें डाल देंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डलेगा, ये इसी का इसका पानी हमें खुशक करना है। इसके बाद इसकी भुजिया बनेगी। इसको अच्छे से चलाना है ताकि इसमें पानी तो डलेगा नहीं, सिर्फ इसको इसी के पानी में पकाना है। ये देखें अभी मैंने डाला है ना, इसको देखें, इसका पानी इसी में खुशक करना है। इसको इसी के पानी में पकाएंगे, थोड़ा सा नीचे से उसकी तरफ दब जाएगा, बिल्कुल हल्के आंच पे रखेंगे, अभी इसमें पानी पानी हो जाएगा। तो ये हम ये भी डाल देते हैं, थोड़ा नीचे दब गए और इसको चला के ढक देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे तो देख पानी पानी हो जाएगा एकदम। देखिए एकदम ये खुशक हो गई है, ये बिल्कुल पानी खुशक हो गया। अब इसको सील पे पीसेंगे, फिर इसको निचोड़ेंगे। जितना भी पानी होगा ना इसका, तो इसको सील पे पीस के निचोड़ते हैं। ये देखें ये ऐसी हो जाएगी। इसको सिल पे बट्टे पे करके और इसको कुचल लेंगे, सारा इसका पानी निकाल देंगे। तो ऐसी इतना पानी नहीं निकला क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था, एकदम खुश हो गया। अब बाकी तो वही बहू बनाएगी, बहू को बनाना मैंने सिखाया है। हाँ। अब बहू बनाएगी तो ये ले चले। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ मूली की सब्जी। तो देखिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये हमारी बहू आ गई है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ज्यादा डलेगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना ऑयल ज्यादा डलता है। और देखिए मैंने इसके अंदर डाली सब्जी में जो चीजें डालनी है उसके लिए लहसुन लिया है, 2-3 जवे लहसुन है, बड़ी थी तो इसको मैंने बारीक कट लिया है। और एक प्याज ली है, जीरा लिया है, कड़ी पत्ता लिया है और टमाटर लिए है। और इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची और नमक डल गया क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्ची तो हमने डाल दी थी। जायका ऐसी इसी से आता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं डलता। सबसे पहले हाँ, हमारे पास साबुत मिर्चियाँ नहीं है, साबुत मिर्चा का भगार में डलता है, इसलिए हमारे पास साबुत मिर्चियाँ नहीं है। आप लोग डाल लिएगा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। डालें गर्म हो रहा है, गैस जो आ रही है ना वो ऐसी आ रही है बहुत हल्की। हाँ, दिखने में लगता है लेकिन आ रही नहीं होती है गैस। लोगों के घर में तो बेचारों की गैस आ भी नहीं रही, लगा कि सारे माए घर आ तो रही है। थोड़ा सा जला लेंगे। भाई खाना तो मेरी बहू पकाती है, जो जो मेरी बहू ने सीख लिया ना वो सारे खाने मेरी बहू पकाती है। और जो नहीं तो वो मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ। मम्मी नहीं सिखाएंगे मूली की सब्जी तो मुझे बनाना। लहसुन का तो इसमें बहुत अच्छा जायका आता है लहसुन का। जब हम खाते हैं ना सब्जी तो और मजे का लगता है, जो जब लहसुन आता है ना मुँह में तो अच्छा लगता है। और जब ये बासी हो जाती है ना तो पराठों के साथ हो सुबह में बहुत मजे की लगती है। और आज कुछ दिखाएंगे आप अपने चैनल पे? हाँ इंशाल्लाह भी हम आपको दिखाते हैं। अभी ये देख लहसुन हमारा हो गया है और इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, प्याज का भी हल्का सा सुनहरा कर देंगे। और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह अम्मी हमारे चैनल अम्मी के चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, हमारे चैनल पर भी सिखाएंगी। तो आप लोग जो है अभी के चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। कौन कौन सीखेगा मेरे चैनल पे? मैं तो सीख रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ सीख सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है। और देखिए प्याज भी हमारी हो चुकी है तकरीबन, इसमें ज्यादा ब्राउन नहीं करते प्याज, प्याज को बस नरम करते हैं। टमाटर को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे इसको। मूली की भुजिया आपको पकाने आती होगी लेकिन आप हमारे तरीके से बनाइएगा। हम आपके साथ अपनी सारी वीडियो शेयर करते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं, हम इस तरह बनाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। उसके अलावा हम आपके लिए बहुत सारी कटिंग और सिलाई भी लेके आएंगे, नई नई चीजें लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिए। हाँ
टेबल स्पून की हरी मिर्चें डालें, हाफ डालू ना जी, हाफ डाले हैं मिर्चें, हरी मिर्चें भी डाली है, हरी मिर्चें भी डाली है, हरी मिर्चें तेज है, तेज भी है। और नमक जाएगा, नमक भी हाफ डालिएगा क्योंकि भुजिया बहुत थोड़ी सी हो गई है, इस हिसाब से हाफ चम्मच नमक बहुत है। ये सब भुन जाएगा ना उसके बाद डलेगी ये भुजिया। तो देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन गए, सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर ये अपनी मूली की भुजिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल के भून लेंगे। इसको हमने पानी खुशक कर लिया था ना, तो इसलिए ज़्यादा गीली गीली नहीं हो रही। अगर हम पानी खुशक नहीं करेंगे ना तो फिर हमें ज़्यादा भुनाई करनी पड़ेगी। और ये बहुत मजे की लगती है, अब ये बिल्कुल सूखी तो फरमाइशें होती है भाई ये बनाओ। हाँ, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको हल्के आंच पे, बिल्कुल हल्के आंच पे छोड़ दिएगा 10 मिनट के लिए, ये खुद ही तैयार हो जाएगी भुन के। मेरे तो वैसे तैयार है ना। हाँ भाई, बहू बहुत अच्छी, बहू का इम्तिहान था क्योंकि मेरे बहू को बनाना सिखाई थी ना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, ताकि इसके अंदर मसाला मिक्स हो। तो चले इसको हल्के आंच पे 10 मिनट के लिए रख देना, छोड़ देते हैं।